तो बात उस समय की है मेरा साहब, जब पांचों पांडव राजकाज खत्म करके धरती छोड़ के स्वर्ग जा रहे थे तो एक कुत्ता उनके साथ हो लिया। रास्ता मुश्किल था, एक एक करके सारे पांडव खत्म हो गए। पर जब स्वर्ग के द्वार पे युधिष्ठिर पहुंचे, I really don't have time for all this. आप प्लीज वो 2 महीने से आपकी कहानियां सुन रहे हैं टीवी पे, एक बार तो हमारी भी सुन लो। तो जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्रदेव ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और न्योता दिया स्वर्ग में अंदर आने। तो महाराज युधिष्ठिर कुत्ते को साथ लेके चल पड़े। इंद्र बोले कि एक तुच्छ कुत्ता, वो भी स्वर्गलोक में, असंभव। युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, पूरे रास्ते मेरे अपने सगे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये कह के युधिष्ठिर लौटने लगे तो इंद्रदेव ने हाथ पकड़ लिया और बोले, महाराज आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। ये जो कुत्ता है ये स्वयं भगवान धर्म है, आपका स्वर्ग में स्वागत है। वैसे तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा था। इस बकवास का मेरे केस से क्या ताल्लुक है, बताओगे? आपकी लाइफ में भी एक कुत्ता भगवान बनकर आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाया, बल्कि पहुंचने से बचा लिया। ये वही है ना मेरा, अभी करना है। जो त्यागी है उसने अपने गुरु की एक बात गांठ बांध ली थी कि जो इंसान कुत्तों से प्यार करते हैं अच्छे इंसान होते हैं। When dog love man, he is a good man. When man love dog, he is a good man. उसने देखा था आपकी वाइफ को कुत्ते का ख्याल रखते और जिंदगी में पहली बार उसे अपने गुरु की बात पे डाउट होया। फोन करना चाहा उसने, बात करनी चाहिए, पूछना चाह रहा था ये काम करूं कि नहीं करूं, पर बात नहीं हुई। और जब बात नहीं हुई तो उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने काम छोड़ दिया। ताकि कितना ही खुखार क्रिमिनल क्यों ना हो, थोड़ी सी इंसानियत तो उसमें भी थी। इतना मजेदार कहानी। एक और सुनाता हूं, एकदम छोटी सी है। इस केस का आपसे कोई लेना देना नहीं, कहानी खत्म। मतलब ये कि आपके सिवाय कोई और भी टारगेट होता ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ना था। असल में आप टारगेट थे भी नहीं, टारगेट त्यागी था। आप सिर्फ एक बहाना थे त्यागी को बाहर निकाल के उसका एनकाउंटर करवाने के। सीबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, आईएसआई इन्वॉल्व था, सभी जानते हैं। अजीब बात है मेरा साहब, ये बात सुन के तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी जान खतरे में नहीं है, पर आप तो कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि जिस केस में त्यागी और वो तीनों नरक में पहुंच गए, उस केस में आपको अपने स्वर्ग का द्वार मिल गया हो? वॉइस ऑफ इंडिया। बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं जानते हो। नौकरी से भी निकाल दिया गया अपने फकअप्स की वजह से। आपसे जब पहली बार मिला था ना तो मुझे लगा था कितने बड़े आदमी हो आप और मैं कितना छोटा। इस केस में चाहे मैंने कितनी भी मरवाई हो, कम से कम ये गलतफहमी दूर होगी।